नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार तक और आपके साथ मैं हूं रचा शर्मा। राजनीति में मुलाकात के अपने मायने होते हैं, मुलाकात में बातचीत क्या होती है ये बहुत ही मायने रखता है। इसी बीच बिहार की सियासत में उथल पुथल तब मच गई जब जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह पहुंच गए लालू प्रसाद यादव से मिलने। ये मुलाकात कोई छोटी मुलाकात नहीं रही, 20 मिनट तक दोनों के बीच बातचीत चलती रही, जिसके बाद राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय काफी तेज हो गया। लेकिन हवा और तेज तब हो गई जब ललन सिंह लालू प्रसाद यादव से मुलाकात करने के बाद निकले और सीधे पहुंच गए नीतीश कुमार से मुलाकात करने। अब ऐसे में कयासों का बाजार गर्म हो गया कि क्या ललन सिंह नीतीश कुमार के साथ कोई खेल करने वाले। बीजेपी के प्रवक्ता मनोज शर्मा का कहना है कि अब ललन सिंह जो है नीतीश कुमार के साथ खेल कर रहे हैं, नीतीश कुमार के 32 दांतों को एक एक करके लालू प्रसाद यादव से मिलकर निकाल रहे हैं। अरे माननीय ललन सिंह जी जो है ना, राजीव रंजन सिंह जो जदयू के केयरटेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, ये कई घाट का पानी पी चुके हैं। कई घाट से घूमते घूमते कभी समता, कभी कर्पूरी ठाकुर, कभी जॉर्ज फर्नांडिस, कभी कांग्रेस, वापस फिर नीतीश के चरणों को पकड़ के वापस नीतीश के साथ में। लेकिन ध्यान रहे, ललन बाबू ने बोला था जब वो कांग्रेस में थे, नीतीश से अलग हुए थे, कि नीतीश के पेट में 32 दांत हैं। आज वो लालू यादव के साथ में मिलकर उनका एक एक दांत निकाल रहे हैं। ये बात नीतीश कुमार को समझना होगा और जदयू के लोगों को समझना होगा। नीतीश कुमार के पेट के 32 के दांत का ऑपरेशन ललन सिंह के द्वारा चालू हो चुका है और इसमें लालू यादव प्रमुख भूमिका निभा रहे हैं। कहने का मतलब ये कि ललन सिंह नीतीश कुमार के साथ एक बड़ा खेल करने वाले हैं। हालांकि मुलाकात के बाद कयासों का बाजार गर्म तो रहा, लेकिन सवाल ये उठने लगे कि आखिर बिहार की सियासत में कोई नया चैप्टर दिख सकता है क्या। हालांकि राजनीतिक जानकारों का मानना है कि ये जो मुलाकात हुई है वो सीट शेयरिंग को लेकर हुई है। जेडीयू चाहती है कि जल्द से जल्द महागठबंधन में जो सीट शेयरिंग का मामला है उसको सॉल्व कर लिया जाए, यानी कि सीटों का बंटवारा तय हो जाए। यही वजह थी कि ललन सिंह पहले लालू प्रसाद यादव से मुलाकात करने पहुंचे, वहां पर लोकसभा चुनाव के लिए रणनीति पर बातचीत हुई। 20 मिनट के इस बातचीत में बात इस पर हुई कि आखिर सीटों का जो नया फॉर्मूला है वो क्या होगा, ऐसा क्या किया जाए कि जितने भी घटक दल हैं सब संतुष्ट हो पाए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है अपने आप को इंटैक्ट रखना। तो वहां से मुलाकात करने के बाद वो नीतीश कुमार के पास पहुंचे और इसी पर ही बातचीत हुई कि सीटों का नया फॉर्मूला क्या रखा जाना चाहिए। ऐसे में अब ये बातें सामने आ रही है कि जल्द से जल्द महागठबंधन में सीटों का बंटवारा तय हो जाएगा, किसके पाले में कितनी सीट जाएगी और कैंडिडेट कौन होगा, ये तस्वीर भी अब धीरे धीरे साफ होगी। बहरहाल जो बातें बीजेपी की तरफ से की जा रही है उसके कयास तो अभी जारी है। बीजेपी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि ललन सिंह नीतीश कुमार के साथ बड़ा खेल कर सकते हैं। ये भी हो सकता है कि जेडीयू और आरजेडी यानी नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव की पार्टी का विलय हो जाए, जेडीयू पार्टी ही ना रहे, आरजेडी के साथ वो मर्ज कर जाए। फिलहाल आपको इस मुद्दे पर क्या कुछ कहना है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। बिहार की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए बिहार तक।